पारा भरना क्षमा करना। हे मातृभूमि, हम आपसे 14 वर्षों के लिए अलग होते हैं। तुम देवत को बुलाओ, हमें नदी के पार जाना है। जो आज्ञा प्रभु। सुनो सुनो, तुम नार चुनावन हो, हमें जाना है उस पार। ओ भैया, जरा नौका लेके आना रे। अरे भाई, हमें देर हो रही है, अब अधिक विलंब न करो और नाम लाकर हमें कुछ बात करो। प्रभु मन में एक संको क्षमा कीजिए, नाथ केवट है अज्ञानी प्रभु। ओह चरणी कमल की प्रभु, भरज झूठे ¡Gracias!
Yeah.
उनके लिए चुकंदर देते हैं। आप ऐसा ख्याल ना करें और कंगन दिखाकर हम गरीबों का अपमान ना करें। क्यों भाई केवल इसमें अपमान की क्या बात है? तो ये क्या है प्रभु? पेशा हम हैं एक दो नहीं मेरी दुकान बड़ी, मैं उसकी पूरी वाला। प्रभु आपकी दुकान बड़ी। तो सुनिए प्रभु, जब खेवत हो तुम भी हमसे, फिर कंगन काहे दिखावत हो? ये आपस का व्यवहार नहीं, वो बिन कारण क्यों शर्मा? नाम लगावत हो तुम तो दिन रात बिना गर्मी, सब सागर पार लगावत हो। भाई केवल अपनी मंजूरी समझते ही दे दो। मैंने पहले ही कह दिया है मैं ये नहीं लूंगा। भैया केवट, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मगर इन मजदूरों को तो अपनी मजदूरी ले लेने दो। करना ही नहीं, कोई मत देना। हम कंगन से हटलते कब हैं, और इनों पर क्या ललचावत हो? और दिखना करिए चली गुड़की बालक को गहरा। प्यारे मित्र का यदि तुम नहीं लेना चाहते तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु मेरी इच्छा बस इतना दीजिए, तुम खेवट हो। प्रभु तुम क्या